नमस्ते दोस्तों, हम लोग हैबिट्स के बारे में आज बात करेंगे। आज हम लोग टॉप 10 बैड हैबिट्स के बारे में बात करेंगे, 10 हैबिट्स जो कि हमारी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। ये लंबा होगा वीडियो, बिकॉज़ इसमें 10 वीडियो हम लोग हैबिट्स डिस्कस करेंगे। मैं तो एक ही चीज़ को डिस्कस करने में घंटों लगा देता हूँ, और इसमें तो 10 चीज़ें डिस्कस करनी है। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप कुछ अच्छी हैबिट्स को बताइए। यूट्यूब पे हैबिट्स की बड़ा वो है, लोग सर्च करते हैं कि कौन कौन सी अच्छी हैबिट्स है, उसको अगर हम सीख ले तो हम सक्सेसफुल हो जाएं, हमारी लाइफ अच्छी हो जाए, पता नहीं वगैरह वगैरह वगैरह। तो मुझे लगा कि अच्छी हैबिट्स को हम बाद में डिस्कस करें, पहले हम लोग बैड हैबिट्स को डिस्कस कर लें, जो कि हमारे पास है, जो आएगी, पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी हैबिट्स, उसके बारे में डिस्कस करके क्या फ़ायदा। तो आपको रोज़ वॉक करना चाहिए, रोज़ मेडिटेशन करना चाहिए, रोज़ योगा करना चाहिए, वो तो बाद में आएगा ना, वो लोग डिस्कस करेंगे बाद में। वी विल मेक अ टॉप 10 गुड हैबिट्स ऑल्सो, बट फॉर दैट आपको पहले अपनी बैड हैबिट्स को समझना होगा। अच्छा, जब मैं बैड हैबिट्स बोलता हूँ तो ऐसा मत सोचिएगा कि जैसे घर पे पापा मम्मी याद दिलाते थे ना, बैड बैड, यू आर अ बैड बॉय, यू आर अ बैड बॉय, तो अंदर में गुस्सा लगता था। तो बैड वर्ड से ही अब गुस्सा लगता है, ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है। ये चीज़ को आप सब तभी आप समझ पाएंगे अगर आप इसको जज नहीं करेंगे। हो सकता है आपकी लाइफ में हो ये सब चीज़ें, तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसको हटा दीजिए, इसको ख़त्म कर दीजिए। मेरा सबसे पहला आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको समझिए, बिकॉज़ इन हैबिट्स को मैंने भी अपनी लाइफ में से तभी हटा पाया हूँ या कम कर पाया हूँ जब मैंने इनको समझने की कोशिश की। अगर एज इट इज़ देखूँ तो मुझे गुस्सा आ जाएगा कि ये बैड हैबिट्स और मेरे अंदर है। तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, अगर एक लेवल भी नीचे जा सके हम हर बैड हैबिट्स के, जो मेरी टॉप 10 बैड हैबिट्स हैं, तो हम लोग अपने आप को बहुत किस्मत वाला मानेंगे। बिकॉज जैसे ही आप एक लेवल आगे बढ़ेंगे समझ में, आप एक तरह से एक लेवल का कॉन्शियसनेस उठ जाता है, और चेंजेस तभी आते हैं जब कॉन्शियसनेस बदलता है। तो सबसे पहले हैबिट क्या है, या हैबिट किस लिए बनती है, कोई आइडिया है आपको हैबिट क्यों बनती है? हैबिट नेचर का या हमारे बॉडी का एक बहुत ही इंटेलिजेंट सिस्टम है। किस लिए? हाँ, रिपीटेटिव, किसी भी चीज़ को बार बार रिपीटेटिव तरीके से करते हैं तो हैबिट में होता क्या है, वो आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है, इम्पल्सिव एक्ट हो जाता है। लेकिन ये चीज़ हमारा ब्रेन कराता क्यों है? जो चीज़ अगर हम इंटेलिजेंटली स्लोली खोज खोज करके कर रहे हैं तो उसको फास्ट क्यों करा रहा है वो हैबिट? टाइम बचा रहा है। लेकिन क्या ब्रेन को टाइम का पता है? जो लोग ताश खेलते रहते हैं या जो लोग आराम से मौज करते हैं, उनको टाइम की क्या चिंता, वो क्यों कर रहे हैं? बेसिकली ब्रेन में टाइम का उतना टाइम कैलकुलेट करता है, बट ब्रेन को उससे भी ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरत है एनर्जी की। ब्रेन हैबिट इसलिए क्रिएट करता है बिकॉज उसको एनर्जी का कंजम्पशन करना है, उसको बचाना है एनर्जी। कोई भी चीज़ अगर सोच सोच के, एनालाइज करके, प्रॉस एंड कॉन्स डिसाइड कर करके करेगा तो एनर्जी खर्च होती जाती है। इसलिए कोई भी चीज़ जब हैबिट बनती है तो शुरुआत में तो दिक्कत आती है, बट धीमे 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 आपको आप प्रेडिक्ट करना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे पता नहीं क्या होगा क्या होगा, और जैसे ही आप प्रेडिक्ट कर लेते हैं आपका माइंड उसमें आगे बढ़ जाता है। ये ब्रेन का औजार है हैबिट बनाने के लिए। बैड हैबिट्स कैसे बनती हैं? बैड हैबिट्स हम लोग बनाने की कोशिश नहीं करते, ये तब बनती हैं जब हम उसकी चिंता ही नहीं करते। जैसे आपने कल पूछा था ना कि सर अगर हम लोग ये जो वीडियोस बना रहे हैं या जो प्रैक्टिसेस बता रहे हैं जनों का, अगर उसको करेंगे तो क्या होगा? तो मेरे लिए बड़ा सा ये बड़ा अम्यूजिंग क्वेश्चन था कि आप मेरे साथ काफ़ी सालों से हैं और आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्या होगा, मुझे लगा आपको पता होगा। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि आपको शायद भूल गया होगा या आपको नहीं पता होगा। इसके लिए खास टर्म है इंग्लिश में, उसको बोलते हैं इग्नोरेंस। जब आप कोई चीज़ नहीं जानते तो आपको वो चीज़ फंस जाते हैं। जैसे आपको अगर रास्ता नहीं पता कहीं जाने का तो आप गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो जब आपको नहीं पता और गलत रास्ते में जाते हैं उसको बोलते हैं इग्नोरेंस ऑफ दैट थिंग। अभी ये चीज़ जनोंगा में आएगी, बहुत डिटेल में आएगी। तो बैड हैबिट्स बनता क्यों है? क्योंकि हम उस चीज़ के बारे में नहीं जानते। ये इसकी जिम्मेदारी हमारे पर ही है। तो सबसे पहली बैड हैबिट है ओवर स्लीपिंग और स्लीपिंग एट रॉन्ग टाइम्स। मैं ऑलमोस्ट जब तक जनोगा मेरे हाथ में नहीं आई थी तब तक मुझे लगता ही नहीं था कि स्लीप के साथ कुछ भी ऑड है। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं और वो मेडिटेटिव भी हैं, लेकिन वो लोग ये मानते हैं कि किसी भी टाइम सो सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं।
बिल्कुल कर सकते हैं, जब नींद आए तब सोना चाहिए, तभी इनफैक्ट बॉडी हमको सुलाती है। स्लीप थोड़ा और गहरी चीज़ है, हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में कि स्लीप क्यों आती है, कैसे आती है, उसमें मॉलिक्युलर बॉडी का, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी का और फिजिकल बॉडी का एक खास प्रोपोर्शन होता है, तब स्लीप आती है। लेकिन जनोगा अगर आप कभी थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि एक्सपेरिमेंट अगर करते हैं आप अपने बॉडी के साथ, अपनी स्लीप के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब किसी किसी टाइम पर आप ज़्यादा फ्रेश होते हैं, किसी टाइम पर कम फ्रेश होते हैं। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कैसे होगा, जब आप सोकर और अपने फिर उठकर अपने माइंड को देखेंगे, फिर रात को देर तक जगकर अपने माइंड को देखेंगे, दोपहर को आप सोकर अपने माइंड को देखेंगे, तो आपका जो माइंड का स्टेट ऑफ सेंसिटिविटी है, अबिलिटी टू थिंक है, कोई भी चीज़ को गहराई से सोच पाना, या अपने इमोशंस को या अपनी हैबिट्स को या अपने एंगर को या फियर को, इसको आपको कंट्रोल कर पाना, ये सब जो माइंड के एक्टिविटीज़ हैं, इसको आपका कितना कंट्रोल है, इस चीज़ को स्टडी करना होगा आपको गलत टाइम पर सो करके। स्लीप का बेस्ट टाइम जनोगा बताती है रात को 11 से लेकर सुबह 5 या 12 से लेकर 4, ये बेस्ट टाइम है सोने का, इस समय सोना ही चाहिए हमको। इसके अलावा अगर आप दोपहर को सोते हैं तो ख़तरनाक है, सोने के बजाय जनोगा कहती है कि 3 स्टेप ब्रीदिंग करिए, आप जनोगा बेसिक कोर्स में इसको सीख सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको एहसास भी नहीं होगा कि कोई गलत चीज़ हो रही है, बस आपको लगेगा कि मुझे नींद आई इसलिए सोया, बट कोई चीज़ है ये जो कि आपको मिलेगा अगर आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये बैड, इसको ये मत मानिए बैड हैबिट है, ये एक हैबिट है जो हम सब के अंदर में है, बहुत से लोगों के अंदर है, बट इसके साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा, समझना होगा। दूसरा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, इसको इसको भी अंग्रेज़ों ने नाम दिया है और इसको बोलते हैं गॉसिपिंग। लोग गॉसिप करते हैं, हेल्दी गॉसिप करते हैं बहुत से लोग। पता है गॉसिपिंग का सबसे बड़ा खतरा क्या होता है, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, अरे तुम्हें पता है उसकी लड़की उसके से भाग गई, इतना बड़ा खतरा। खैर दो तरह के खतरे होते हैं, एक तो जो आपके इंडिविजुअल लेवल पे होता है, आप झूठ पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, किसी ने भी किसी के बारे में झूठ में भी कुछ बोल दिया, आपका माइंड उसको, सिस्टम वन उसको एक्सेप्ट कर लेता है, बिकॉज उसके लिए एक इंफॉर्मेशन मिली है और स्टोर कर लेता है। जब तक कि आप रिसर्च करके उसके एंटी कोई चीज़ प्रूफ नहीं खोजेंगे, तब तक माइंड उसको रिसर्च उसको बिलीव करता रहेगा। और दूसरा एक सोशल लेवल पे बहुत बड़ा खतरा होता है, अभी रिसेंटली मेरे पास एक वीडियो आया है जिसमें कि एक फेमस यूट्यूबर ने बनाया है वीडियो, उनका न्यूज़ चैनल है, उन्होंने बताया कि किस तरह से यूट्यूब पे जब हम वीडियोज़ को फॉरवर्ड करते हैं तो इस तरह से कुछ लोगों के बारे में नेगेटिव फोटोज़ या नेगेटिव वीडियोज़ बना बना करके जनरल आदमी फॉरवर्ड हो गया और फिर उन लोगों को पब्लिक ने इकट्ठे होकर के मार डाला। ऐसे 8-10 लोगों का, कोई मजदूर था उसके नाम से बोल दिया कि ये चाइल्ड ट्रैफिकर है, कोई किसी के लिए बोल दिया कि ये बहुत गंदा आदमी है, इसने रेप किया है, और इस तरह से जब फैल गया तो उस आदमी को लोगों ने, आसपास के लोगों ने देखा, ऐसे करके 50-60-70 लोगों ने मिलकर के एक्चुअली मार डाला, और ये भी वीडियोज़ में है, इसकी भी वीडियो बनी है। तो ये जो जब मॉब में जो कुछ करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं बिकॉज वो लोग विश्वास कर चुके रहते हैं कि ये चीज़ जो कही जा रही है वो सच है, और हम कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब जब किसी भी के बारे में कुछ भी बात कर रहे हैं जो हमको, जो उसका कोई पर्पज़ नहीं है, हम ऐसे ही कर रहे हैं, वो आदमी अच्छा है, वो आदमी ख़राब है, इसको ये इसने किया उसने, ये जब गॉसिप जो है ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है अपने इंडिविजुअल लेवल पे, और ये आपको भी गरीब बना सकता है। इसने बोला वो बिटकॉइन में पैसा लगा दो यार, बड़ी अच्छी चीज़ है, कोई रिसर्च नहीं कराया। कल श्रद्धा ने बताया मेरी फैमिली मेंबर में, मेरे से भी उम्र में ज़्यादा एक भाई साहब हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, ही वेंट ब्रोक। हम लोग कितनी वीडियोज़ बनाते रहते हैं, पैसे बचाओ, कैसे पैसे कमाओ, कैसे इकट्ठा करो, वो वीडियोज़ देखते भी होंगे, बट बिटकॉइन के बारे में इतना हल्ला हो गया दैट ही बिलीव्ड। वो कैसे हो गया, गॉसिपिंग से। गॉसिप से आपको लगता है कि मैं जानता हूँ, मैं समझ गया, इन्होंने बोला था यार, तो यू टेंड टू बिलीव इल्यूजन्स, इल्यूजन्स के समंदर में आप डूबते जाते हैं, फिर धीमे धीमे आप ही सोर्स हो जाते हैं गॉसिपिंग के। इसलिए कृष्णमूर्ति की जो छोटी सी बुक थी याद है, जिसमें एट द फीट ऑफ मास्टर, उन्होंने गॉसिप को एक तरह का बहुत बड़ी खतरनाक चीज़ बोली है, और जो हम सब करते हैं। तीसरी है, ये भी बड़ी खतरनाक चीज़ है, सरकैज़म, किसी के बारे में टॉन्ट करना। ये सब चीज़ें पता नहीं चलेगा, पता है जो लोगों को हैबिट है इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। एक फिल्म थी, ये जो
फेमस एवेंजर्स की फिल्म थी एक, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक कैरेक्टर आया था, उसका नाम था विजन। वो कैरेक्टर जो था ही सपोज टू बी वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, ह्यूमन स्पीसीज का बहुत एडवांस्ड स्पीसीज था। तो बोलता है कि अगर मैं बुरा हूँ तो मुझे मालूम भी कैसे पड़ेगा मैं बुरा हूँ कि नहीं, जब तक कि मेरे माइंड में एक छोटा सा पार्ट हो जो अच्छा हो और जो बुराई अच्छाई के बीच में डिफरेंस जान सके। तो जब मैं किसी को टॉन्ट कर रहा हूँ, जैसे तू बैठी है यहाँ पर, मैं तो बोल रहा हूँ ये तो वो तेरे क्या बोलते हैं पापा, सीखिया पहलवान या लकड़ू पहलवान, या इसको हमारे पापा क्या बोलते हैं जो मजाक में कुछ बोलते हैं पापा, कुछ भी बोलते हों या मुझे ही कुछ बोलते होंगे, तब तो खराब ही लगता है वो सब सोच करके। सरकाज़म मतलब आप किसी को सुई चुभो रहे हैं, और सुई जब चुभोते हैं एक पॉइंट के बाद चुभ जाता है, और एक पॉइंट के बाद खून निकलता है, और एक पॉइंट के बाद वो एकदम इसेंशियल ऑर्गन्स पे घुस सकता है और फिर वो आपको अपाहिज कर सकता है। एक बच्चे को अगर आप टॉन्ट करते रहें उसके भले के लिए टॉन्ट कर रहे हैं। हमको याद है पिछले एक महीने पहले एक पेरेंट आए थे हमारे साथ, उनके साथ हम गए थे डिनर पे, गए थे कहीं बाहर पिज़्ज़ा खाने, तो वो अपनी बेटी को बता रहे थे कि ज़्यादा पिज़्ज़ा मत खाओ। तो उसको प्यार से बताने के बजाय बोल रहे हैं तुम तो खाओगी, तुम तो रोक ही नहीं सकती, तुम्हें तो खाना ही खाना है। अब ये सरकैज़म है। अब वो छोटी सी बच्ची, 8 साल 10 साल की बच्ची, उसको पता भी नहीं चल रहा है कि वो क्या बोल रही है। उसको लगता होगा कि मुझे तो खाना ही खाना है, मम्मी ने मुझे परमिशन दे दी, अब मैं खाती हूँ। तो उस बच्चे को टाइम लगता है ये समझने में कि मेरी लेग पुलिंग हो रही है, मुझे बेइज्जत किया जा रहा है ताकि मैं सुधरूं। इसमें बहुत टाइम लगता है बच्चे को समझने में, छोटे बच्चे समझ में नहीं पाते इसके बारे में। अब मुझे एहसास हो गया जब कोई मेरे टॉन्टिंग करता है तो मैं उसको ऐसे देखता हूँ जैसे कि वो आदमी पागल है, क्योंकि मैं अब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे वो प्राजक्ता नहीं है मोस्टली सेन वाली, जब उसको लोग बुरे बुरे कमेंट भेजते हैं तो वो एक आदमी ने बोला कि तेरे मुंह पे बहुत ढेर सारे दाने हैं, तो वो आदमी उसकी बुराई कर रहा था, तो बोलती है और है ये भी देख वो भी देख ये भी देख, दिवाली के लाइट है ये वैसे करके यू हैव टू दो चीज़ करिए आप, एक तो अपने आप को भी टॉन्टिंग से बचाइए, सरकैज़म से बचाइए, तो उस नहीं तो अदरवाइज आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो आपको आपका बिलीफ बन जाएगा, जो हमने बोला था नहीं बिलीफ बन जाता है। गॉसिप किसी से टॉन्ट कर दिया वो आपका बिलीफ बन जाएगा, अरे हाँ यार मैं तो सही में बहुत पतला हूँ, तो मुझे कोई पतला बोलता है ना तो बोलता हूँ हाँ तुम ही ठीक हो यार, तुम बहुत स्वस्थ हो, मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसे ही ठीक हूँ। तो ये है गॉसिपिंग, सॉरी ये है सरकैज़म। नेक्स्ट है ये हम सब के अंदर में और हम सब इसे बड़े जूझते रहते हैं, इसको बोलते हैं पोस्टपोनिंग या तो प्रोक्रेस्टिनेशन। बड़ा भारी वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेशन, जेन योगा में पहली बार पढ़ा था मैंने, तब मुझे मालूम पड़ा ये बहुत भारी चीज़ है। पहले तो लगता था पोस्टपोन ही कर रहे हैं, कर लेंगे यार कल नहीं तो परसों कर लेंगे, कर ही लेंगे। पता है पोस्टपोन हम लोग क्यों करते हैं कोई चीज़? क्योंकि जो हम काम करना चाहते हैं उससे हम वो रिजल्ट चाहते हैं जो हमने मन में कल्पना की है, ना कि वो रिजल्ट जो आने वाला है। कोई रिजल्ट आता है हर काम पे। आप छोटा से छोटा काम करें, खराब से खराब काम करें, एक रिजल्ट आता है। और ये केवल साइंटिस्ट जानता है कि उसका हर एक्टिविटी, हर ट्रायल उसको एक स्टेप आगे लेके जाता है। लेकिन जो आम आदमी है उसको लगता है कि जैसे मैंने एक्टिविटी किया सीधे माउंट एवरेस्ट पे, या सीधे कोई बड़ी चीज़ मिल जाएगी। आज मैं कर रहा था, इनफैक्ट आज मैंने एक सर्च किया हाउ टू गेट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, जैसे कोई मुझे चूरन मिलने वाला है। और जब मैंने हिट किया तो सबसे ऊपर जो वीडियो आया उसको देख करके मैं पागल हो गया। पता है क्या है, इट्स अ चैनल जिसका नाम है हाउ टू बेसिक, और उसके 11 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। और उसने बताया क्या दिखाया उसमें, एक अंडा तोड़ा, फिर दूसरा अंडा तोड़ा, फिर तीसरा अंडा तोड़ा, फिर चौथा अंडा तोड़ा, फिर अंडा तोड़ता रहा, फिर बेसिन में अंडा फेंका, वहां अंडा फेंका, हर जगह अंडा फेंका, वीडियो खत्म। और स्ट्रेंजली मैंने इस वीडियो को देखा, रिब्बी को भी दिखाया, मैंने कहा ये क्या है, फिर मैंने देखा उसने हजारों इस तरह के सैकड़ों इस तरह के वीडियोज बनाए, लोग देखते भी। तो ये तब होता है जब डॉक्टर आशीष शुक्ला क्या खोज रहे हैं, हाउ टू हैव मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो हम वो करना चाहते हैं, वो चाहते हैं जो हमने सोच रखा है, हम उसके भी इंटरेस्टेड नहीं है जो है या जो हो सकता है, जो रिजल्ट आएगा। मान लीजिए आपने एक बुक पढ़ा तो उसका रिजल्ट आएगा, उसको अगर ध्यान से देख सकें जो रिजल्ट आएगा तो उसमें से हमारा नेक्स्ट स्टेप निकल के आएगा। हम पोस्टपोन क्यों करते हैं, क्योंकि करें उनको लगता है यार दो चार अगर पुशअप्स मार भी लेंगे तो कौन सा हम हीमैन बन जाएंगे, कौन सा हम आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की बॉडी बन जाएगी।
एक आध किताब पढ़ लेंगे तो कौन सा हम लोग आइंस्टीन इंटेलिजेंट बन जाएंगे, छोड़ो बंद करो आराम करो, इससे अच्छा तो आराम ही कर लो। तो हमारा जो आइडियल है दिमाग में, एक बड़ा सा खूबसूरत पिक्चर है अपना, हम उसको अप्रोच करते हैं थ्रू आवर माइंड व्हेन वी आर डूइंग एक्शंस। अब मुझे जब क्लियर हो गया तो मैं अपने आप को बताता हूँ, बॉस मुझे तो काम करना है, रिजल्ट जो आए सो आए। भाई कृष्णमूर्ति कृष्णा जी का वो कृष्ण भगवान का जो नहीं है कर्मणीय वादी का रस्ते, अब मैं अपने आप को समझ पाया हूँ कि कैसे इसको अप्लाई करना है। किताब रखनी है, एक पेज पढ़ना है, बस काम खत्म, एंजॉयमेंट हो गया। ऐसे हम लोग आइसक्रीम खाते समय खुश हो जाते हैं, ये तो नहीं बोलते कि मुझे 10,000 आइसक्रीम खाने हैं इस जन्म में। सर क्या मजाक करते हैं, 10,000 आइसक्रीम कैसे, हम लोग खाते हैं 10,000 नहीं खाते, लेकिन आपने कब तक अब आज तक कितनी आइसक्रीम खाई होगी, कुछ कैलकुलेट किया है? अगर कर लेंगे तो मोटे हो जाएंगे, आप सोचना शुरू कर देंगे यार मैं काउंटिंग करता हूँ कल से कितनी आइसक्रीम खाऊंगा मैं बता। सो यू हैव टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि जब आप पोस्टपोन कर रहे हैं उस समय आपके माइंड में कौन सा आइडियल है। आज श्रद्धा ने एक वीडियो बनाया, मुझे भेजा, भाभी को भेजा, मैंने देखा, मैंने कहा चल अच्छा है गुड, भाभी को भेजा, भाभी बताना शुरू कर दी उसमें क्या चीज़ कर सकती थी, कैसे कर सकती थी, और अच्छा कैसे कर सकती थी, इसमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए। मैंने कहा फंसना मत श्रद्धा इसमें, ये आइडियल है, तो जो कर रही है वही कर सकती थी, वही बेस्ट है, अभी वही कर, अदरवाइज लोग भी ऐसे करते हैं, आपने कुछ करके दिखाया लोग बोले हाँ हाँ ठीक है, वैसा होता तो बहुत अच्छा होता। सो यू हैव टू रियली पिकअप, जब आप पोस्टपोन कर रहे हैं तो इसका मतलब कोई आइडियल पकड़ रहे हैं, आइडियल को पकड़ कर हटा दीजिए और फिर एक्शन लीजिए, जो भी रिजल्ट आएगा दैट इज योर गिफ्ट ऑफ नेचर टू यू। नेक्स्ट जो हैबिट है, पता नहीं आप लोग बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे, मुझे उम्मीद है कि अनिल तो बच जाएंगे क्योंकि अनिल को बहुत बड़ा धक्का लगा है, एक एंटी फ्रेजाइल बन चुके हैं अनिल उनकी बचपन की लाइफ में। श्रद्धा शायद फंस जाए, आप दोनों भी बची जाएंगे मेरे ख्याल से, अगर आप लोग ध्यान से इस बात को सुन लेंगे तो। वो है लोन की हैबिट या क्रेडिट कार्ड की हैबिट। ये हैबिट हमको पड़ती कैसे पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आदमी खूब पैसा कमाना चाहता है बिना मेहनत किए। कोई बड़ी कंपनी जो बैंकर हैं वो लोग आपको लोन देने को तैयार हैं, लो ले जाओ आराम से, बस शर्त ये है कि आप मुझे टाइम टाइम पर हर महीने देते रहना वापस। आपको फटाफट लाइफ में आपको शॉर्टकट देता है लोन, बहुत सिंपल सी चीज़ है लेकिन बहुत खतरनाक हैबिट है। मैंने अपनी कार लोन ली थी और मुझे पता है कि हर महीने, उस समय मेरे पास जॉब नहीं थी, कभी आती थी कभी जाती थी, लेकिन वो 4,500 रुपये मुझे हर महीने देने पड़ते थे, और एक महीने का लॉस हो गया तो बैंक से दो आदमी आ गए हट्टे कट्टे, बोलते पैसा दो नहीं तो आपको हम कार लेके जा रहे हैं। मुझे बड़ी बेइज्जती महसूस हुई थी। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि कुछ भी लूँगा दुनिया में कैश में लूँगा, जब मेरे पास पैसा होगा मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तभी लूँगा, मैं एक भी रुपये लोन नहीं लूँगा। बहुत से लोग मेरे अगेंस्ट होंगे, बहुत से लोग मुझसे बोलेंगे बिना लोन लिए आप अमीर बन ही नहीं सकते। मैं भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि जो लोगों की नेट वर्थ हम गिनते हैं ना, वो लोन की वजह से करोड़पति लोगों की भी जीरो हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो अगर आपके पास लोन की हैबिट है तो आप समझ लीजिए कि इस जन्म में आप अमीर नहीं बन सकते। अगर आपको सीरियसली अमीर बनना है तो यू हैव टू सिंपल सी, ये जो बोलते हैं ना, जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाओ, धीमे धीमे डबल चादर लेकर सिलाई कर लो, जब आपकी 10 लंबी लंबी चादर हो जाएगी तब आप और पैर फैला लेना। बट इसमें मुझे कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है, बट मुझे बोलना है कि अब मैं बहुत फिक्स्ड हो चुका हूँ। अब मेरे पास एक फ्रेंड है जिन्होंने अभी पिछले महीने, उनकी सैलरी बहुत बड़ी है, 1,00,000 से भी ज़्यादा सैलरी है महीने की, लेकिन उनकी लोन की वजह से बेचारे अभी बेइज्जत होकर के आए। उन्होंने पिछले महीने लिया था, नहीं 2 महीने पहले कार का लोन लिया था, और लोग कार भी कौन सी 12-13 लाख रुपए की या 8 लाख की ऐसी कुछ थी लंबी कार, मेरी अभी भी 3 लाख की कार है, और फिर अब जा करके 5 लाख की लोन ले रहे हैं। मुझसे बोले थे थोड़ा बैंक में बोल दीजिए कि थोड़ा सा वो लोन मुझे दे दें। आपको लोन देंगे नहीं अगर आप को आदत पड़ जाएगी लोन। लोन उसी को मिलता है जिनको आदत नहीं होती, जिनके पास ढेर सारा कैश होता है। मुझे जब फ़ोन आता है ना क्रेडिट कार्ड की कंपनी से तो मैं उनको बोल देता हूँ सॉरी बहन जी मेरे पास कुछ एक दिन आया था मुझे फ़ोन, बोलती है आप सर लोन ले लीजिए, मैंने कहा नहीं मुझे लोन नहीं चाहिए। बोलते सर क्यों नहीं चाहिए? मैंने कहा क्यों चाहिए मुझे, मुझे किस लिए चाहिए लोन? बोलती सर हमारी कंपनी बहुत अच्छा, मैंने कहा लेकिन चाहिए क्या लोन का, मुझे जरूरत ही नहीं। यू हैव टू बी लाइक दैट, यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि मुझे चाहिए था मिल गया, ऐसे पेट भर गया खाना, और क्यों चाहिए मुझे, सड़ाना है क्या? ऐसे ही लीजिए आप खाने की तरह, जितना खा सकते हैं उतना ही प्लेट में लीजिए और मत लीजिए। लोन मतलब हम एक्स्ट्रा खाना ले रहे हैं प्लेट में जो खत्म नहीं कर पा रहे हैं। रात को 12 से लेकर 6 बजे तक अगर आपने मोबाइल देखा तो आपको इंसोमनिया की बीमारी हो जाएगी। अगर आपको नींद नहीं खुलती है तो आप सुबह मोबाइल बगल में रख लीजिए, एक आध मैसेज देख लीजिए तो नींद खुल जाएगी। मोबाइल फोन इज द फास्टेस्ट वे टू रिमूव योर स्लीप ड्राउजीनेस।
लेकिन अगर इसको ऑड आवर्स में देखा तो गए, तो मोबाइलिंग एट रॉन्ग आवर्स। मैं सोच रहा हूँ अपने टॉयलेट में एक चार्जर लगा दूँ, वहाँ पर एक पॉइंट लगा दूँ जहाँ पर लोग चार्ज कर सकें, बिकॉज बहुत से लोग मोबाइल ले जाते हैं मेरे घर में। मतलब मैंने अब धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अवॉइड कर दूँ, बहुत पहले ले जाता था लेकिन ख़त्म हो जाता है। तो आप जो ये हम लोग हंस रहे हैं, बट ऑलमोस्ट अब जिनके जिनके पास भी मोबाइल फ़ोन है और इंटरनेट है, उनको हम एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट, हम रिडंडेंसी हमारी है, रिडंडेंसी एक्स्ट्रा यूजिंग ऑफ एनर्जी, बट आपको कब्जियत हो जाएगी, आपको पैरों में दिक्कत हो जाएगी। एक चीज़ बोलते हैं उसको, बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जो आप बहुत देर तक जब बैठते हैं उस पोजिशन में टॉयलेट में, तो पैरों की नस ब्लॉक हो जाती है, और अगर बहुत देर तक ब्लॉक होती है तो उसमें क्लॉट्स बन जाते हैं। अगर तो ये मोबाइल फ़ोन की वजह से होता है, नींद खराब हो जाएगी और आपको इंसोम्निया हो जाएगा, सॉरी ये पैरों में भी क्लॉट हो सकता है अगर आप बहुत देर तक एक ही चीज़ में फंसे रहते हैं। हम लोग मोबाइल एडिक्शन पर दूसरा वीडियो बहुत लंबा बनाने वाले हैं, शायद उसके ऊपर सीरीज़ बनाएंगे हम लोग, बट अभी कम से कम ये ध्यान रखिए कि रात को 12 बजे शट डाउन कर दीजिए अपना मोबाइल, और फिर सुबह 6 बजे उसको खोलिए। और एक बड़ी खास बात है, अगर आप उसको शट डाउन करके चार्ज करते हैं तो बैटरी ख़राब नहीं होती, जब चार्ज हो जाता है उसके बाद मोबाइल बंद हो जाता है। लोग बोलते हैं ना रात भर अगर बैटरी चार्ज करेंगे तो ख़राब हो जाएगा, खुल जाएगा, वो नहीं होता। नेक्स्ट है बिंज शॉपिंग। ये हम लोग तो कर ही नहीं सकते, हमारे पास पैसा ही नहीं है। ये वो लोग कर सकते हैं जिनके पास पैसा है। लोग बोर्डम खत्म करने के लिए शॉपिंग करते हैं। अमीर लोग शॉपिंग में भी और आगे बढ़ गए हैं, चोरी करते हैं जाकर के वो, क्योंकि शॉपिंग मज़ा आता है उसमें। इसकी तो मुझे मतलब, मैं देखता हूँ मेरे घर में इतना सामान इकट्ठा हो गया था एक टाइम कर कि मैंने फिर दान करना शुरू किया। मैं वो करती रहती है, जब भी बोर होती है तो शॉपिंग करती रहती है। भाई पैसे हैं तो आदमी शॉपिंग करेगा। खैर अब तो काफ़ी कम हो गया, बिकॉज हमने अभी क्या करना शुरू कर दिया, हमने एक बहुत खास चीज़ को बोल दिया है कि वो भी बड़ी कीमती चीज़ है, और वो है स्पेस। आपके पास कितना खाली स्पेस है उतना ही आप अमीर हैं। तो अगर आप 10 कपड़े खरीदते हैं और अलमारी में रखते हैं, तो अलमारी में अगर 10 कपड़ों का जगह है तो मैं बोलता हूँ वो 1,000 रुपये का है, तो अगर वो खरीद सके तो बड़ा अच्छा है। मैं आपको बताऊँ, एक आदमी है जिसने अपने पूरे घर में कुछ सामान ही रखा था, एंड ही वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन। उसको लगता था कि, वो कहता था कि जब घर में स्पेस होगा तभी मैं सोच पाता हूँ। जानते हैं कौन था? खाली एक काउच था उसके घर में। कौन था आइडिया पता है? पिछली सदी का जो सबसे, हाँ, स्टीव जॉब्स। वो उसके बारे में बहुत फेमस है कि उसके घर में कुछ था ही नहीं, हो सोचने के लिए भी वो यूज़ करता था फ्री एम्प्टी स्पेस। तो जब स्पेस की वैल्यू समझेंगे तभी हमको ये शॉपिंग की आदत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज हमको लगेगा बड़ी वैल्यूबल चीज़ ले रहे हैं। बट वैल्यूबल चीज़ मतलब हम एक नया नया कचरा खरीद रहे हैं, उसको मैं नया कचरा बोलता हूँ, आ गया रखा हुआ है। तो ये है बिंज शॉपिंग बोलते हैं, जब जरूरत है तो शॉपिंग करिए, अदरवाइज ऑब्वियसली। नेक्स्ट एक बड़ी प्रॉब्लम है जो मेरे को बहुत सालों तक थी, उसको बोलते हैं झूठ बोलना या तो लाइंग। शायद आप लोगों की लाइफ में नहीं होगी, आप लोगों के पेरेंट्स अच्छे अच्छे थे, जिनके पेरेंट्स बड़े खतरनाक होते हैं उनको ये गुण अपने आप आ जाता है पैदाइशी। फिर वो ऐसे एक्सपर्ट होते जाते हैं कि कोई उनको पकड़ ही नहीं सकता। फिर जब इनको ऐसे लोगों को फिर नेगेटिव कैरेक्टर अच्छे लगते हैं फिल्मों में, किस तरह से अमिताभ बच्चन झूठ बोलते थे, किस तरह से क्या होता था। बट बेसिकली हम झूठ बोलते हैं क्योंकि हम डरते हैं, हमको बहुत ज़्यादा, फिर धीमे धीमे आदत पड़ जाती है। तो लाइंग थोड़ा मुश्किल हो जाता है हटाना। इसको कैसे ख़त्म करेंगे, लाइंग को, झूठ कैसे बोलना ख़त्म करेंगे? एक तो ये कि जो आप अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं ना, अगर बोल दिया जिस समय बहुत ज़्यादा टेंशन थी, बताओ अभी बताओ तुमने चोरी किया है कि नहीं किया है, उस समय तो बोल ही देते हैं, पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे तुम, एग्ज़ाम में नंबर ख़राब क्यों आए, जब तो उस समय आप कुछ नहीं कर सकते, तो ज़ेन मॉन्क बन जाइए आप। बाद में ऑब्जर्व करते हैं ना ज़ेन मॉन्क एक घटना को, ऐसे बाद में जाकर बोले पापा उस समय आप गुस्सा थे तो डर लग रहा था, इसलिए मैं सच नहीं बोला, अब मैं सच बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा उसका असर कम हो जाएगा। तो बाद में जाके सच बोलेंगे तो आपको धीमे धीमे पता चलेगा कि झूठ बोल करके जो मैं मेंटली अपने आप को इतना शिकंजे में बांध रहा था, क्योंकि एक झूठ बोलते हैं ना, एक झूठ दूसरा झूठ तीसरा झूठ लेकर आता है, तो वो चीज़ बड़ा आसान हो जाएगा अगर आप सच बोल देते हैं। तो उसमें वो जो हमारी प्राचीनता का बड़ा अच्छा नया गाना आया, शेमलेस, आई एम शेमलेस, तो बोल करके अपना शेमलेस हो जाइए, धीमे धीमे अपना सच्चाई बोल दीजिए तो बड़ी राहत हो जाती है, ऐसा ऐसे पेट खाली हो गया और हल्का हो गया बड़ा। तो झूठ बोल लीजिए, क्योंकि वो तो डर के मारे बोलता है आदमी, उसके बाद कुछ देर बाद जाके बोल दीजिए तो उनको मालूम पड़ जाएगा ये आदमी ऐसे ही है। जैसे मेरी मम्मी बोलती थी बेशरम है, मेरे लिए बोलती थी मुन्ना बेशरम है, तो मुझे लगता चलो बेशरम बोल करके कम से कम मुझे अब टेंशन तो नहीं होती, तो मुझे बहुत झूठ बोलना पड़ता था बचपन में।
फोर्थ नाइन्थ हैबिट जो है बड़ी मैंने खतरनाक देखी है, जो मैंने देखा है बचपन से ही बच्चे करते हैं, बचपन से ही बच्चे और बाद में बड़े होने पर तो ये हैबिट बन जाती है, ये है डोमिनेट करने की हैबिट। हम एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करते हैं और इसमें जो भी थोड़ा सा ऐसा कोई बच्चा जो थोड़ा सा कमज़ोर है, जिसको आइडिया नहीं है डोमिनेट करने का, जो थोड़ा सा विनम्र है, वो फंस जाता है, वो पीछे हो जाता है। लेकिन खतरा उसके लिए नहीं है, खतरा इसके लिए है जो डोमिनेट करता है। जो आदमी डोमिनेट करने की हैबिट पड़ती है उसकी माइंड का पूरा सेंसिटिविटी, पूरी रिसेप्टिविटी ख़त्म हो जाती है, सड़ जाती है। वो पूरे माहौल में हमेशा अपने आप को ही दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट करता रहता है और ऐसा आदमी बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स करता है, बिकॉज उसको बाहर से कोई रियलिटी के बारे में या जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिलता ही नहीं, वो रिसीव नहीं कर पाता, वो खाली जहां पर भी है दूसरों के ऊपर अपना थ्रो कर रहा है। और ऐसा आदमी धीमे धीमे ही स्टार्ट्स गेटिंग डिसलाइक्ड, उसको लोग पसंद नहीं करते, उसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती नहीं होती, बिकॉज वो सबके ऊपर अपना दबदबा दिखा रहा है, लोगों के ऊपर डोमिनेट कर रहा है, तो बहुत रियल कनेक्शन नहीं बनते उसके। तो डोमिनेशन की वजह से आपके मन में या लाइफ में वो दोस्ती की या रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा वो रहेगी, कमी रहेगी। बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरुज जब डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं तो उनके फॉलोअर्स ख़त्म हो जाते हैं, उनके प्यार करने वाले उनसे दूर चले जाते हैं। और वहीं पर अगर आप सेंसिटिव हैं, रिसेप्टिव हैं और दूसरों के ऊपर डोमिनेट नहीं करते, तो आपको पहली बार माइंड में जिसको रिसेप्टिविटी बोलते हैं या सेंसिटिविटी बोलते हैं, जिसकी वजह से सेक्शन 2B आपसे बात कर पाता है, नेचर आपसे बात करता है। पता है आपको, सूरज, धरती, चांद और ये सारी की सारी चीज़ें आपसे बात करती हैं, इनका एक अलग लैंग्वेज है बात करने का, दे हैव अ लैंग्वेज, उसका मैं नाम बताऊंगा बाद में आपको, उस लैंग्वेज का भी नाम है किस तरह से नेचर आपसे बात करता है। ये तभी हो सकता है जब आप अपने आप को डोमिनेट नहीं कर रहे हैं आपके पीयर्स पे, तब जाकर आपका माइंड शांत होता है, तब जाके आप रियल मैजिक्स ऑफ द वर्ल्ड, मिराकल्स को आप सुन सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और लास्ट है अपने इमोशंस को यूज़ करना। लोग अपने रोने को यूज़ करते हैं, अपने डरने को यूज़ करते हैं, वो अपने गुस्से को यूज़ करते हैं काम कराने के लिए। जैसे आपको कोई आदमी कुछ काम बताए, आपको कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन दे और आपको वो लगता है कि वो मेरे को पसंद नहीं है, तो आप रोना शुरू कर दें, नहीं नहीं मेरे को नहीं हो सकता है, फिर बात कौन करेगा। याद है एक पिक्चर आई थी बहुत पहले, जिसमें कि एक हस्बैंड था, एक वाइफ थी, मुझे याद नहीं आ रहा, हस्बैंड वाइफ की पिक्चर थी। तो उसमें बोलता है कि हस्बैंड स्क्रीन पर देखकर, ऑडियंस से देखकर बोलता है, अब हम लोगों का लड़ाई का मैच होगा और मैं जीतूंगा। तो उसने एक लॉजिकल पॉइंट दिया, उसके वन पॉइंट स्क्रीन पर दिखा रहा था, वन पॉइंट, और उसकी वाइफ के जीरो पॉइंट, यस आई एम विनिंग। फिर एक और पॉइंट बताया उसने, तो उसके दो पॉइंट, फिर तीन पॉइंट, फिर चार पॉइंट, ये जीत रहा था। तब तक से उसकी पॉइंट बीवी ने रोना शुरू कर दिया, तो उसके पॉइंट जुर्र करके 200 हो गए। बोलता है दिस इज चीटिंग। आप बड़े इंटेलिजेंटली अपनी बातें समझा रहे हैं, लेकिन सामने वाला धीमे 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 आई सेंटर से ई सेंटर में चला गया और उसको ये मालूम है मैं ई सेंटर यूज कर सकता हूँ, मेरी माता जी उसको खूब यूज करती है। तुम अपनी माँ को प्यार नहीं करते, तुम लोगों ने मुझे कभी समझा नहीं। तो ये जो आप जब इमोशन को यूज करना शुरू कर देते हैं ना, तो एक्चुअली आप इमोशन को यूज नहीं कर रहे हैं, इमोशन आपको यूज कर रहा है। वो उस कहानी की तरह हो जाएगा जैसे भालू का, आपको एक आदमी पानी में गिरा था तो एक कंबल पकड़ लिया था, याद है ना आपको। तो एक आदमी बोलता है, अरे कंबल छोड़ दो, वो डूब रहा था, बोलता है बचाओ बचाओ, बोलता है कंबल तो मुझे पता है, तुम कंबल गिरा था किसी का लावारिस कंबल पानी में गिर गया था। तो उसको चुराने के लिए, कि उसको लगा है बड़ा अच्छा कंबल है उठा लूँ, कूद गया था पानी में लेने के लिए, बोलता है मुझे लगा था कंबल है लेकिन क्या है, भालू है, मतलब मैं इसको पकड़ने गया था, अब उसने मुझे पकड़ लिया। अगर आपने इमोशंस को यूज़ किया तो इमोशन आपकी हैबिट बन जाएगी ये चीज़। फिर आपको लगेगा सोचना, समझना, इंटेलिजेंटली, रैशनली बात करना तो मुश्किल चीज़ है यार, इमोशंस को यूज़ करेंगे आप। अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करिए तो धीमे धीमे आप इसमें से निकल सकेंगे। अगर आप सीरियसली अपने बैड हैबिट्स में से हमेशा हमेशा के लिए निकलना चाहते हैं, तो ये मुझे नहीं, मैं निकल नहीं पाता, अगर मैं जनोगा नहीं पाता, जनोगा नहीं पढ़ता, जनोगा के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करता, तो इसमें से निकलना मेरे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू सहर जी कि उन्होंने इतना मैजिकल बुक बनाई और इसको हम लोग ने जनोगा बेसिक कोर्स के फॉर्म में बनाया है। आप लोग इसको ज्वाइन करके अपनी सारी हैबिट्स को धीमे धीमे एकदम बाहुबली की तरह ख़त्म कर सकते हैं। पता है ना बाहुबली की तरह ख़त्म कैसे होता है, मतलब सारे आपके जो बैड हैबिट्स हैं वो ऐसे ख़त्म हो जाएंगे जैसे वो सब सेना आती है और बाहुबली सा करके ख़त्म कर देता है।
इससे पहले कि दूसरा आदमी एक तीर भी चला सके, बाहुबली आगे बढ़ के सबको खत्म कर देते हैं। रियली मैं सचमुच में जब आप चीज़ों को समझते हैं, जब आप ज़ेनो का बेसिक कोर्स एक्चुअली समझ जाएंगे, तब आपकी हैबिट्स कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। यू विल बी बियॉन्ड योर हैबिट्स, देन यू विल हैव मच बिगर थिंग्स इन लाइफ एंड मच बेटर हैबिट्स, जो कि आपको बहुत बड़े बड़े गोल्स में हेल्प करेगा। थैंक यू।